फ्रेंड्स, दिस इज यस सर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ब्यूटीफुल चैनल यस सर्स करिश्माटिक केमिस्ट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है और अपनी पिछली वीडियो में कोलरॉस लॉ को पढ़ा था और हमने आपको सिखाया था कैसे कोलरॉस लॉ की मदद से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डायल्यूशन या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए उसी से मैं कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था, अब हम ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो देखिए, आप By using Kolrosh law. Okay, KL का मतलब आप समझ लेना, Kolrosh law, ठीक है? By using Kolrosh law, molar conductivity at zero concentration of weak electrolyte can be कैलकुलेट, ठीक है? ऐसा बाय यूजिंग कोलरॉस लॉ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेट। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, ओके, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और हमें पता है कि नॉर्मल तरीके से तो यह आने वाला नहीं है, ठीक है? तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ ये हो जाएगा आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस एच प्लस आयन, ठीक है? अब हमें कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने होंगे जिनमें ये पार्ट आते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ये देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONa। अब ये जो CH3COONa है, ये है सॉल्ट और ये पूरा टूट जाएगा, तो ये हमें एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे दे देगा, मतलब एसीटेट आयन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, ठीक है? अब दूसरा हमें किसका चाहिए? एच प्लस का। तो एच प्लस का हम किससे ले लेंगे? HCl से। तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। अब जरा देखिए, एच का भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया, बट अब इसमें ये एक्स्ट्रा आ गया Na और Cl, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये क्या आ गया? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए जरा इसे ओपन करके लिखते हैं। ओपन करके अगर आप लिखोगे तो आपको यही मिल जाएगा। मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। कैसे? ये देखिए, ये इससे कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। फाइनली आपको क्या मिल गया? एसीटेट आयन और एच प्लस आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ। तो आपको जब भी इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, आपको इसकी वैल्यू दी होगी और इसकी वैल्यू दी होगी। तो सिंपली आपको करना क्या होगा? आपको ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और इसका आंसर लिख लेना है। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन। ये क्या था? ये था फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या? बाय यूजिंग कोलरॉस लॉ मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड। तो आई होप आपको ये पहला एप्लीकेशन समझ में आया होगा। अब इसके कुछ एक दो और एग्जांपल करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। पहले ठीक है, तो मैं कुछ इंटेक्स क्वेश्चन ले लेता हूं जो आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिए हुए, ठीक है? तो देखिए, यहां जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया हमें कि हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgR एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgR, ओके,
AGI को हमें कैलकुलेट करना है और हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI दिया है, ओके, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 दिया है, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3 दिया है। इसकी वैल्यू हमें डेटा में दी हुई है। कैसे है? सबसे पहले NaI का वैल्यू जो है वो है 126.9, ओके, और इसकी यूनिट क्या होगी? जी हाँ, इसकी यूनिट होगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, आया समझ में? और जो दूसरा होगा, वो होगा 133.4 सेम यूनिट के साथ, और जो लास्ट वाला है वो है 121.5 सेम यूनिट के साथ। तो ये डेटा दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ओके, और आपको फिर इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो देखिए, AgI हमें चाहिए, हमें Ag का मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, मतलब AgN का मोलर कंडक्टिविटी चाहिए और I माइनस का भी मोलर कंडक्टिविटी। तो AgI का किससे मिलेगा? देखिए, इससे AgI का मिल जाएगा, बट इसमें NO3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, और I का किससे आ जाएगा? इससे। तो देखिए, Ag का हमें मिल गया और I का मिल गया, बचा हुआ क्या है? ये एक्स्ट्रा है और क्या एक्स्ट्रा है? ये एक्स्ट्रा है, तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। तो कैसे आएगा ये? चलिए मैं लिख देता हूं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgR इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3, मतलब इन दोनों को आपको ऐड करना है और इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले की दो वैल्यू को ऐड करना, तो मैं पहले की दो वैल्यू को ऐड कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 126.9 प्लस 133.4, तो ये कितना हो जाएगा? 13.3, ये 170 एंड दिस वन विल बी 56260.3, ठीक है, और इसमें से माइनस करना है आपको 121.5, तो ये देखिए 260.3 माइनस 121.5, 3 माइनस 5 विल बी 8 एंड दिस इज 9 माइनस 1 विल बी 8, 5 माइनस 2 विल बी 3 एंड दिस इज 138.88 साइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये भी लिखा जा सकता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस के आपको एग्जांपल्स दे देता हूं। ओके, हर एक वैल्यू को अच्छे से देखिए। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा, तो ये सिंपल सा, बहुत ही सिंपल टाइप के सम आते हैं इसमें, ओके, स्टेट बोर्ड के जैसे आप बात करते हैं, तो सीईटी लेवल और एंट्रेंस लेवल में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम एंट्रेंस के सिलेबस से डील करेंगे। तो कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो यही पे है। चलिए अब मैं देता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, हम ये पहला एप्लीकेशन ही डील कर रहे हैं, किसका? कोलरॉस लॉ। क्या है वो? बाय यूजिंग कोलरॉस लॉ हम मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट कर सकते हैं एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब जरा देखिए दूसरी चीज, मान लीजिए आपको बोला गया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH2Cl COOH को ढूंढने के लिए, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ आपको डेटा में दिया गया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH2Cl COOH, इनकी वैल्यू भी दी गई है। तो सिंपली आप वैल्यू को भी लिख सकते हैं, कितना है ये? 4.621 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ओके, और इसका जो वैल्यू है ये है 1.499 पर ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ये कितना है? 1.132 सेम यूनिट के साथ, ठीक है। तो ये सारा डेटा दिया गया है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो लाना है, ओके, तो ये लाने के लिए क्या करना होगा? पहले CH2Cl इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ये देखिए ये वाला पार्ट, और एक H+ का चाहिए, तो H+ का तो हमें यहां से मिल जाएगा,
ये देखिए एच प्लस का यहां से मिल जाएगा, और ये आयन का कहां से मिलेगा, इसका यहां से मिलेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कौन हो गया, के एक्स्ट्रा हो गया और सी एल एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी एच टू सी एल सी ओ ओ एच इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच सी एल, या फिर पहले पहले एसीटेट आयन आ रहा है, ये सी एच टू सी एल सी ओ एच आ रहा है, तो पहले इसे ही लिख लेते हैं, सी एच टू सी एल सी ओ ओ के प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच सी एल, इसमें से माइनस कर दीजिए मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के सी एल। आप ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, फटाफट। तो ये आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर क्रॉस चेक कीजिए, देखिए आपका आंसर राइट आ रहा है या नहीं। ओके, आप देख लेना, बहुत इजी है, तो इसे मैं नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है कि कोलरोस लॉ की मदद से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कैलकुलेट कर लेते, क्या कैलकुलेट कर लेते, अल्फा। अब आपके दिमाग में ये जरूर ख्याल आ रहा होगा कि सर ये अल्फा क्या है, ये अल्फा अल्फा क्या है, ये अल्फा अल्फा क्या है। जी हाँ, तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, अल्फा 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 मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट के टूटने की हद, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कितना टूटता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटता है वो हमें बताता है। और हम सब जानते हैं अल्फा अल्फा इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसे हमने किसमें पढ़ा है, जी आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन, या फिर आप अल्फा कह सकते हैं वन होता है, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जिन्हें अल्फा नहीं पता है तो आप हमारी आयनिक इक्विलिब्रियम की वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, महाराष्ट्र सिलेबस में आयनिक इक्विलिब्रियम की वीडियो पड़ी हुई है, उसे देख लीजिए, या फिर यूट्यूब सर्च बार में आप लिख सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम महाराष्ट्र बोर्ड बाय यस सर, ठीक है, आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा है ये बहुत ही कम होता है, इससे एक से, मतलब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.4 के अराउंड होती है, उससे या उससे भी कम होती है, अल्फा की वैल्यू आ रहा है समझ में, उससे भी कम होती है। बट एक चीज हमने सीखा है इसमें, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या सिखाया गया था जरा ध्यान से देखना, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी एंड अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए बाय सी, मतलब सी जितना कम होता है अल्फा, ये जो अल्फा है ये अल्फा उतना बढ़ता है, ओके, मतलब सी जितना कम होगा, या पढ़ोगे अगर नहीं पढ़ा है तो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ोगे, तो सी जितना कम होगा अल्फा उतना ज्यादा होगा। और मैं अगर एक बात बोल, इंपॉर्टेंट चीज, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा बिकम्स वन, और किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रो लाइट, इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको, दैट इज सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस। ओके, स्क्रीन से इसलिए हट जाते हैं ताकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप बीच में ही खड़े रहते हैं तो हम लोग लिखे कैसे, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं और देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन किसका, कोलरोस का। तो कोलरोस का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से, वो है सेकेंड एप्लीकेशन, बाय यूजिंग कोलरोस लॉ, केएल मतलब कोलरोस लॉ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके, या फिर आप कह सकते हो अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी k
कैलकुलेटेड। ओके सर स्ट्रॉन्ग का क्यों नहीं? अरे अभी तो बता, स्ट्रॉन्ग का तो वन ही होता है ना मेरे पास, तो जो चीज ऑलरेडी कैलकुलेटेड है उसे क्यों कैलकुलेट करोगे? आ रहा है समझ में? जो चीज ऑलरेडी कैलकुलेटेड है उसे हम क्यों कैलकुलेट करेंगे? हमें तो पता ही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। चलिए अब जरा आगे देखते हैं। नाउ एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, लेट एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्डा। मान लीजिए किसी कॉन्सेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो लैम्डा है, वो ये कॉन्सेंट्रेशन है तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितना है? लैम्डा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा। ना एट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा नॉट और लैम्डा नॉट। और मैंने अभी आपको बताया जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा कितना हो जाता है? वन। अल्फा कितना हो जाता है? वन। अब जरा ध्यान से सुनिए, हम सबको पता है मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डायरेक्टली प्रपोर्शन करती है। अरे सर कैसे कैसे मोलर कंडक्टिविटी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डायरेक्टली प्रपोर्शन करेगी? जरा ध्यान से सुनिए, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? द कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय आयंस ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आयंस कितने बनेंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है? अल्फा, कितना वो इलेक्ट्रोलाइट टूटा हुआ है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा उतना ज्यादा क्या होगा? आयंस बनेंगे और उतनी ज्यादा क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी। तो सिंपली आपने एक चीज सीखा कि मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। देखिए अब अल्फा अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शन दोनों सिंबल एक जैसे हो जा रहे हैं तो मैं अल्फा को कुछ देर के लिए ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये ए और ए के ऊपर ये उसकी चुंडी 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 ऐसा, तो ये अल्फा हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा बट ये वन हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया, ये हो गया इक्वेशन वन और ये हो गया इक्वेशन टू। अब एक काम कीजिए, आप वन को टू से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू अल्फा। ओके, तो ये था दूसरा एप्लीकेशन कि बाय यूजिंग कोलरोस लॉ आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देना, इसकी वैल्यू दी होगी तो आपको अल्फा इजिली मिल जाएगा। तो ये था दूसरा एप्लीकेशन कोलरोस लॉ का। अब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि कोलरोस के और भी एप्लीकेशन है। ये दो तो हमारे सिर्फ स्टेट बोर्ड में दिए, अगर आप एनसीईआरटी या फिर एंट्रेंस लेवल पे देखोगे तो कोलरोस के और भी एप्लीकेशन है। जैसे कि जो तीसरा एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से, बाय यूजिंग कोलरोस लॉ हम लोग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट किसका? वीक एसिड और वीक बेस का, के एंड के। ओके, तो आप कोलरोस लॉ को यूज करके डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट को भी निकाल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप कोलरोस लॉ को यूज करके, ओके आई होप आपने ये लिख लिया होगा, कोलरोस लॉ को यूज करके सॉल्युबिलिटी एस एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी निकाल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, केएसपी। ये सब कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने। के इज कॉल्ड द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब अगर के ज्यादा है तो एसिड ज्यादा टूटेगा, और के बी इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक बेस, मतलब अगर बेस वीक होगा तो वो अगर उसकी के बी वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा टूटेगा। समझ में आ रहा है? जिसका के बहुत ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसका के बी बहुत ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और ये सॉल्युबिलिटी और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और इसका एक और एप्लीकेशन है जो कि लास्ट एप्लीकेशन है, बाय यूजिंग कोलरोस लॉ। कोलरोस लॉ को यूज करके आप आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को भी निकाल सकते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा उन्हें पता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10^-14 होता है। बट बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, 298 केल्विन पे इसकी वैल्यू वैरी होती है। अगर आपने टेम्परेचर को 298 केल्विन से बढ़ा दिया मेरे भाई,
तो ये कम, ये बढ़ जाएगा 10^-14 के बदले 10^-12 -10 हो सकता है। और अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो ये 10^-14 के बदले 15-16 भी हो सकता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं जब हम एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करेंगे और जब हमारे एंट्रेंस पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके इंटेक्स क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं आप कर लोगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ मैं प्यारे दोस्तों, कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप नीचे एप्रिसिएशन जरूर लिखा करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि ताकि हम मोटिवेट हो और भी ज्यादा वीडियो बनाने के लिए और भी ज्यादा एंट्रेंस के ऊपर काम करने के लिए, एंट्रेंस की जो चीज है। क्योंकि वीडियो बनाने में ऑब्वियसली बहुत एफर्ट लगता है, यू नो, कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सेटिंग अप एवरीथिंग, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कम्स लाइक यू नो एडिटिंग, इट टेक्स आवर्स। I hope you understood. So keep studying, okay? And keep growing yourself. Thanks a lot. See you all in next episode. Bye-bye.